भोपाल पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि किसान इस वक्त बहुत परेशान है। कई गेहूं की गाड़ियां अभी भी विक्रय केंद्र पर खड़ी है और जिन किसानों की गेहूं बिक चुके हैं उनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। भोपाल में कह चुका हूं, जब आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो, माल खोल रहे हो, तो इसको खोलने में क्या दिक्कत आ रही है? कि भगवान में विश्वास ही उड़ गया क्या इन लोगों का? भाई जब पारे सारे हिंदुस्तान में खुल रहा है तो भोपाल, इंदौर, इन जगहों में क्यों नहीं? ये खुलना चाहिए, बार बार मैं कह रहा हूँ। कमल पटेल जी जो है किसानों को बधाई दे रहे हैं और इस वक्त कई टन जो है गेहूं सड़ा है, क्या लगता है इस वक्त बधाई दे? इसमें दो चीजें हैं, ये 129-130 टन का जो खरीदी की गई है, इसमें एक तो पेमेंट नहीं हुआ लोगों को, मैं समझता हूँ आधे से ज़्यादा लोगों का पेमेंट नहीं हुआ है। और मेरे पास मिसरोत से का मैसेज है, 50 गाड़ियाँ तुल गई हैं लेकिन कह रहे हैं कि साहब इसका पेमेंट नहीं होगा। ये वहाँ के विकास पार्टी का पाटीदार जी ने ये मैसेज मेरे को किया है और कोई सुनने को तैयार नहीं। और ऐसा जगह जगह है, बारदाने मिले नहीं, लंबी लाइनें लगी और किसान परेशान हुआ है। और जो गेहूँ गीला हो गया, तूफान की सूचना थी पहले लेकिन तैयारी नहीं की, और जो गेहूँ गीला हुआ है उसकी एक तो उसमें बहुत सी जगह पेमेंट नहीं कर रहे हैं उसका, क्योंकि तुल गया लेकिन पेमेंट नहीं हुआ था। और दूसरा ये PDS जो गरीबों को बात कही जा रही कि फ्री राशन देंगे, उसमें दिक्कत आएगी जब ये गेहूँ खराब हो जाएगा। तीसरी चीज़, ये गेहूँ पैदा कैसे हुआ इतना? ये कमलनाथ जी की सरकार ने जो खाद दिया, जो पानी दिया, जो बीज दिया और किसानों का जो कर्जा माफ़ किया, उसकी वजह से उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी और उन्होंने उसका मैनेजमेंट किया। ये पूरी की पूरी श्रेय जाता है कमलनाथ जी को, उनकी सरकार को, सचिन यादव को, कि किसानों को जो कुछ भी चाहिए था उस समय, बिजली दी सस्ती, बिजली जो 1400 था उसको आधा किया, तो ये सब चीज़ें जो हुई हैं इसकी, ये मैनेजमेंट की वजह से ये गेहूँ पैदा हुई। श्रेय न लें, श्रेय जाता है कमलनाथ जी को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।